डार्क सीड ट्रांसफॉर्म होके बन चुका था डूम्सडे डार्क सीड। और सुपर गोकू को पता था कि अगर उसे हराना है तो उसको अपनी पावर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए दूसरे प्लेनेट पे चला जाता है। और तब तक डार्क साइड को रोकने के लिए किंग पिकोलो सामने आ चुका था और वो डार्क साइड से फाइट कर रहा था ताकि गोकू ट्रेनिंग कर सके। पिकोलो से फाइट करते करते डार्क साइड की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और पिकोलो अब डार्क साइड के सामने काफी ज्यादा वीक पड़ने लगा था और इसी का फायदा उठाकर डार्क साइड उसको मार देता है। लेकिन अब यहाँ पर आ चुका था सुपर गोकू, जिसकी ट्रेनिंग के बाद पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब सुपर गोकू और डार्क साइड की पावर्स के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें डार्क साइड बड़ी आसानी से जीत रहा था। और फिर हम देखते हैं कि डार्क साइड अपना एक और नया ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला था, जो कि इसका ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसके बाद डार्क साइड की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने वाली थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना।